इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। विभीषण जी दिन रात रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसिका वृंद तह देखि हरष कपिराय, उठे राम राम तेहि सुमिरन कीना। ऐसे विभीषण जी महाराज भवन एक पुनिदीक सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। कहते हैं अपनी बात, प्रीति न पद सरोज मन माही, मेरे मन में भगवान के श्री चरणों के प्रति प्रीति नहीं है। मेरे बारे में मेरे से अच्छा कौन जानता है? मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं संत हूं, असाधु हूं, क्या नहीं हूं, मेरे से अच्छा तो कोई जानता नहीं मेरे बारे में। विभीषण जी कहते हैं सब ठीक, मेरा मन परमात्मा के सिर चरणों में नहीं रमता। ऐसा है नहीं, इनको लगता है। किसी महापुरुष का एक चिंतन है, आप अपने मित्रों का परिचय दीजिए तो मैं स्वयं बता दूंगा कि आप क्या हैं। आप जो हैं उसी प्रकार की आपकी मैत्री होती है, उसी प्रकार के लोग आपसे जुड़ते हैं। आपका जैसा स्वभाव होगा वैसे ही स्वभाव के लोग आपके प्रभाव में रहेंगे, चाहे जैसे नहीं, डवाडोल नहीं, एक सहजावस्था। भक्तराज विभीषण है। परमात्मा श्री राम ने विभीषण जी को कहा, तुम सारी खे संत प्रिय मोरे। मेरे प्रभु की परिभाषा में विभीषण जी संत हैं। यही नहीं, आप तो संत हो ही, आप जैसे जो हैं उन संतों को मैं प्रेम करता हूं। आई लाइक यू, तुम सारी खे, नॉट ओनली यू, केवल आपको नहीं, आप जैसे, तुम सारी खे, तुम्हारे जैसा भी जो हो। आई तो कह रहे हैं मेरा प्रेम ही नहीं है, ये कौन जैसा हुआ? संत कौन? जिससे संवाद आप रखें तो भगवान की ही चर्चा करें। विभीषण जी क्या कह रहे? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। परमात्मा के सिर चरण कमलों के प्रति हमारे मन की गति नहीं, मन में चरण कमल रज में प्रेम नहीं, मन का सिर चरण कमल में गति नहीं। क्यों विभीषण जी को ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा लगना चाहिए, हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो तब भी यह प्रेम हमको कम लगना चाहिए। हम बहुत राम राम जपें तब भी हमको यह जप कम लगना चाहिए, हम बहुत भजन करें तब भी ये हमको कम लगना चाहिए, हमने बहुत दान किया तब भी ये हमको कम लगना चाहिए। क्यों? भगवान ने बहुत दिया, हमने थोड़ा किया, बहुत देकर भी कम लगे यही भक्ति है। बहुत करके भी कुछ नहीं लगे, प्रीति न पद सरोज मन माही। प्रभु के श्री चरण कमलों के प्रति हमारे मन में प्रेम नहीं है, परंतु आपके जब दर्शन भए और आपने दर्शन हमको जबरन दिया,
मैं तो शयन कर रहा था। एक बड़ी अच्छी बात, बहुत प्यारी सी बात, कोई सो जाए उसको जगाइए मत। मनुस्मृति में सोते को जगाने पर पाप का भाग लिखा है। सोने वाले को सोने दीजिए। अरे महाराज, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, जिसको पढ़ना होता है उसको नींद कम आती है, जिसको बढ़ना होता है उसको कोई धक्का देगा चलो चलो बढ़ो मैं धक्का दे रहा हूं? नहीं, वो बढ़ेगा। वो वैसा बढ़ेगा कि बढ़ेगा ही। और जिसको नहीं पढ़ना है उसको आप जगा भी देंगे तो जाके बाथरूम में सो जाएगा, अपने बिस्तर से निकलेगा भाई के बिस्तर में सो जाएगा, दीदी के बिस्तर में सो जाएगा, भाभी जी के कमरे में सो जाएगा, बेड के नीचे सो जाएगा। जिसको बढ़ना है उसको कोई बढ़ा नहीं सकता, जिसको पढ़ना है उसको कोई पढ़ा नहीं सकता, अपने आप जीव जगता है। यही जग जामिन जागहिं जोगी, कोई जगाने से नहीं जगता। लाहौर में बादशाह राम स्वामी राम तीर्थ देव टहल रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। एक मां अपने बच्चे को जगा रही थी, राम जागो जागो राम। स्वामी राम ने सुना मां हमको जगा रही है, और स्वामी राम तीर्थ जी को वैराग्य हो गया। मां अपने बच्चे को जगा रही थी, वो सोता रहा, और जिसके बैठ गया वो जग गया। स्वामी राम बादशाह राम हो गए। क्या जगाइएगा, किसको जगाइएगा? हम कथा अपने लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए सुन रहे हैं, कोई हम आपके लिए कथा नहीं कर रहे हैं। ये तो सोई जस गाई भगत भव तरही कृपा सिंधु जनहित तन भरई। सोई जस गाई भगत भव तरही कृपा सिंधु जनहित तन भरई। सोई जस गाई भगत भव हम अपने लिए, आप अपने लिए, आयोजक अपने लिए, यजमान अपने लिए, सब सरकार लोग अपने लिए, सब अपने अपने लिए कथा सुनते हैं, गाते हैं, अपना अपना कल्याण करना है। न हम आपका कल्याण कर सकते हैं, ना आप हमारा कर सकते हैं। जिसको जितना समझ में आ जाए उसका उतना कल्याण हो जाएगा। श्री विभीषण जी महाराज को हनुमान जी मिले तो समझ में आ गया। और अब शीर्षक पंक्ति विभीषण जी ने कहा, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी अब मोहि भार, अब मोहि भार तुम हो।
भरोसा हुआ, मेरा प्रेम प्रभु चरण में नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों? ये प्रेम होता कब है, होगा कैसे, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। परंतु शीर्षक भाव में विभीषण जी कहते हैं अब भरोसा हुआ, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के संत के दर्शन नहीं होते। भगवान ने अनुग्रह अनुग्रह जीव के सद्गुणों को देखकर भगवान अनुग्रह करते हैं, किसी संत के ऋषि के कहने पर भगवान कृपा करते हैं, और स्वयं जब सद्गुणों से प्रसन्न हो जाते हैं प्रभु तो अनुग्रह करते हैं। भगवान ने किन किन पर अनुग्रह किया इसका स्मरण हम आगे के दिनों में आपके साथ करेंगे। विभीषण जी को संत के दर्शन भए, अनंत की कृपा महसूस भई, अनंत की कृपा की अनुभूति भई। हमको भी इस भाव के आश्रय में अनंत की कृपा की अनुभूति हो। पूज्य संत महापुरुषों के सानिध्य में, श्री राघव जी की साक्षी में, प्रातस्मरणीय बाबा बलकेश्वर महादेव की पावन उपस्थिति में हम लोग श्री राम कथा गुणगान आगे के दिनों में भी इसी भाव से करेंगे। मानस के सात कांडों को क्रमशः प्रणाम करते हुए और फिर भगवान से विभीषण जी ने जो कृपा मांगी उस पंक्ति के आश्रय में इस कथा को पूर्ण करेंगे। अब प्रभु कृपा करहु वेहि भांति हि सब तज भजन करो दीन राति सब तज भजन करो दीन राति। भगवान ऐसी कृपा बनाए कि हम आप संसार के व्यवहार का निर्वाह करते हुए दिन रात सरकार के पावन स्मरण में लगे रहें। इसी भाव का स्मरण करते हुए हम लोग नवे दिन कथा को पूर्ण विश्राम देंगे इस व्यासपीठ को। तो आइए आज इतना ही, आरती प्रसाद के साथ विदा लें। आप सभी का बहुत आदर, महापुरुषों का सम्मान, भगवान नाम का स्मरण करें, फिर विश्राम। हे हरे रामा रामा राम
कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभना राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण राम चंद्र भगवान की जय श्री द्वारिकाधीश भगवान भवानी शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री बलकेश्वर महादेव की जय पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय यमुना मैया की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।